राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में श्रम ही आधार सिर्फ खबर से सरोकार। जम्मू में देश में पहली बार सैन्य ठिकानों पर हुआ ड्रोन से हमला, बांके के पीछे एयरक्राफ्ट को किया गया टारगेट। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने योगी सरकार को घेरा, कहा यूपी में पार्टी 200 सीटें पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम, राजस्थान में पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार। शिवसेना सांसद संजय राउत ने की मांग, कहा ईडी और सीबीआई करे अयोध्या लैंड डील की जांच। ले लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री, जवानों से बोले जैसे आपने रखा देश का ध्यान, हम रखेंगे आपका ख्याल। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नामांकन के दौरान कई जिलों में झड़प, 50 जिलों में भाजपा सपा आमने सामने। केंद्र सरकार ने वैक्सीन डोज में 81 करोड़ की कर दी कटौती, सरकार ने मई में किया था 216 करोड़ डोज का वादा, अब बोली 135 करोड़ मिलेंगे टीके। कोरोना की दूसरी लहर कम होने का, ट्रेनें धीमे धीमे पटरी पर लौटने लगी, 28 जून से दोबारा चलने लगेंगी बंद पड़ी ट्रेनें। कोलकाता में नकली टीकाकरण अभियान चलाने वाले फर्जी आईएएस ने पुलिस के सामने अपनी गलती कबूल की, कहा प्रसिद्धि पाने के लिए उसने ये सब किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने प्रत्येक गांव परोख पहुंचे, परोख पहुंचते ही पुरानी यादों में खो गए राष्ट्रपति, पहुंचते ही धरती को किया नमन। राम नगरी से जुड़ेंगे दर्शनीय और धार्मिक स्थल, 873.37 वर्ग मीटर का होगा दायरा। बिहार झारखंड में भारी बारिश का अनुमान, दिल्ली में भी रिमझिम के आसार, मौसम विभाग ने कहा 27 जून को झारखंड बिहार समेत कई इलाकों में हो सकती बारिश। जल्द ही 12 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी वैक्सीन, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। मन की बात में पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाने के लिए मुल्कवासियों से की अपील, कहा मेरी मां ने लगवाई वैक्सीन की दोनों डोज, आप भी डरे नहीं। बेंगलुरु में 8 संदिग्ध बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, पुलिस टीम के साथ मिलकर की छापेमारी, जिसके बाद सभी महिलाओं को किया गया हिरासत में। ईडी का बड़ा खुलासा, सचिन बाजे ने की थी एक बार 4,70,00,000 की उगाही, सब उसने तब गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पर किया था। गुरुग्राम में पहली बार मेट्रो स्टेशन पर भी होगा टीकाकरण, जुलाई से होगी इसकी शुरुआत। सीएम शिवराज का राहुल पर निशाना, कहा आपके झूठ के कारण कई लोगों ने नहीं लगवाए टीके। दिल्ली सरकार की कार्रवाई, लापरवाही बरतने पर प्राइवेट स्कूल से छीना प्रबंधन, अभिभावक ने की थी शिकायत। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, नड्डा और शाह बैठक में हुए शामिल। बंगाल में बागी राजीव बनर्जी के दोबारा बीजेपी में आने की अटकलें तेज, पार्टी को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर दुखी लोगों का एक नया वेरिएंट बताया, कहा कुछ लोग बिना बात खामखाम मोदी से दुखी। बाढ़ के बीच तेजस्वी यादव पछे राधोपुर, नीतीश सरकार पर खोल दी आरोपों की लड़ी, कहा कि झूठी सरकार आश्वासन दे रही। सलमान खान के बाद केआरके ने लिया कंगना रानौत से पंगा, आने वाली फिल्म को बताया फ्लॉप। संजय नीला बंसाली की फिल्म गंगूबाई में काम करके पूरा हुआ आलिया भट्ट का सपना, कहा पूरी तरह बदल गई जिंदगी।